हमारे साथ अब बैंकिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस्टर वैभव अग्रवाल हैं, वीपी रिसर्च बैंकिंग एंजल ब्रोकिंग से। वैभव, गुड आफ्टरनून। हालांकि जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक जो नंबर्स रहे हैं एचडीएफसी बैंक के, वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहे हैं। आपके पहले कॉमेंट्स इन नंबर्स पर क्या है? ये ओवरऑल काफी एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम पे ग्रोथ भी जो थी वो एक्सपेक्टेशन के इनलाइन है, बॉटम लाइन भी काफी एग्जैक्टली इनलाइन ही है, और एसेट क्वालिटी भी काफी स्टेबल और रॉक सॉलिड है, जो कि एचडीएफसी का एक हॉलमार्क है और वो अभी भी इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू हुआ है। जी, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी सुधार दिखा है, प्रोजेक्शंस यही थी कि सुधार दिखेगा। इंडसइंड बैंक के बाद एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ने इम्प्रेस किया है उस फ्रंट पर, तो प्रोजेक्शंस क्या रखनी चाहिए? बाकी प्राइवेट बैंकिंग प्राइवेट बैंकों से क्या अनुमान है आपका? एक्चुअली अगर आप देखें तो एचडीएफसी का जो बिजनेस है स्लाइटली जो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक से, फर्क ये है कि जो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक से उनका कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी है, तो और उनमें से कुछ है जैसे आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, उनमें थोड़ी स्ट्रेस अभी भी है, तो शायद इस क्वार्टर में उनके एसेट क्वालिटी में इंपैक्ट रहेगा। तो जो एचडीएफसी बैंक है वो रिटेल ओरिएंटेड ज्यादा है, इस कारण से उनके नंबर्स और ज्यादा बेहतर आ रहे हैं, और ये एक डाइवर्जेंस थोड़ा कंटिन्यू होगा क्योंकि जो एक रिवाइवल है अभी तक फुल्ली आया नहीं है। जी, लेकिन अब इन अर्निंग्स के बाद एचडीएफसी बैंक पर आपकी सलाह क्या रहेगी? आप बायर है, सेलर है, या फिर आपके अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या है एचडीएफसी बैंक पर? रिजल्ट से पहले भी हमारा टारगेट 1265 था विद बाय रेटिंग, और ये नंबर्स एग्जैक्टली इनलाइन है, तो ये जो टारगेट प्राइस भी है वो हम मेंटेन करेंगे 1265 लेवल पे ही विद बाय रिकमेंडेशन। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए। अब सीधा रुख करते हैं अंचल की तरफ।